हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में वापस से। जैसा कि आप जानते ही होंगे, हम अपने चैनल पे यूनिक से यूनिक इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आते रहते हैं। चाहे आप सहारा इवोल्व्स के लूना मॉडल को कह लीजिए या तुनवाल के T33 मॉडल को, वैसे ही आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक और नया इलेक्ट्रिक स्कूटर जो यूनिक है। जैसे जो बजाज का चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हुआ है जिसका प्राइस 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का है, वही ये स्कूटर उसको मात देने वाला है। अगर आपको प्राइस जानना है इसका, वीडियो में आगे तक बने रहे हैं और इसके लुक वगैरह देखिए। इसकी जो पूरी रिव्यू है आज वो हम करेंगे, आप देखते रहिए पूरी वीडियो को। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और ऐसे यूनिक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या अपने बजट को देखते हुए स्कूटर्स, कुछ भी स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए आपको अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको अपने दोस्तों को भी ये स्कूटर दिखाना है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अब वीडियो को शुरू करने से पहले मैं देना चाहूँगा 3 शाउट आउट। पहला शाउट आउट मैं देना चाहूँगा रेक्सटन गेमिंग को, जो हमारे काफ़ी अच्छे व्यूअर हैं, पहले से व्यूअर हैं हमारे बहुत, और काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी करते हैं वीडियोस पे, फनी कमेंट्स। दूसरा मैं देना चाहूँगा पुनीत पांचाल को, वीडियो बनाने का अच्छा आइडिया देते हैं, काफ़ी अच्छे कमेंट करते हैं। जो तीसरा मैं शाउट आउट देना चाहूँगा वो देना चाहूँगा मैं एके स्टेटस को, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने का हमको आइडिया दिया, मतलब उन्होंने हमको कमेंट किया कि सहारा इवोल्व्स के इलेक्ट्रा मॉडल पे वीडियो बनाइए। तो आज हम ले आए हैं वीडियो, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है स्कूटर, आपको भी दिखाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इसका रिव्यू। रिव्यू में मैं सबसे पहले आपको इसका नाम बता देना चाहूँगा। इसका जो नाम है वो आप इसको दो नाम से जान सकते हैं, एक सहारा इवोल्व्स के अंडर टेस्ला मॉडल, एक कोस बाइक के अंदर इलेक्ट्रा मॉडल। तो ये दो नामों से आप इसको जान सकते हैं। और रिव्यू अब हम शुरू करते हैं। रिव्यू में मैं सबसे पहले इसकी बात जो करूँगा वो करूँगा लुक्स की। तो लुक्स जैसा कि आप इसको देख ही पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी लुक्स हैं, काफ़ी कमाल की। आप किसी को भी दिखा लीजिए, उसको ही पसंद आ जाएगी, चाहे वो बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी। सेम वो वाली फील इसको दी गई है जो पहले टाइम के LML वेस्पा आया करते थे। तो और इसमें जो लुक्स हैं, लुक्स में मैं सबसे पहले इसमें बात करना चाहूँगा इसका जो वाइज़र है, वाइज़र से मैं शुरू करूँगा लुक्स को। तो ये गोल लाइट क्या कमाल की लग रही है, सच में ये गोल लाइट काफ़ी अच्छी लग रही है इस पर, क्योंकि जो स्कूटर्स हैं उनमें गोली लाइट आती थी पहले वाले टाइम में, और इसमें भी गोल लाइट प्रोवाइड की गई है जो इसकी लुक को तो 7वें आसमान पे पहुंचा देता है। उसके नीचे आते आते आपको इधर सहारा इवोल्व्स की ब्रांडिंग मिलेगी, इधर कोस बाइक की ब्रांडिंग मिलेगी, और बीच में सहारा इवोल्व्स का लोगो। सामने के साइड में आपको दो इंडिकेटर दिए गए हैं। तो पूरी कोशिश मॉडल को ये की गई है कि जो पहले वाले रेट्रो लुक के मॉडल थे, सेम वही लुक इसको प्रोवाइड की जाए। अगर आप पीछे ध्यान दें तो इसका जो लुक है वो थोड़ा स्लोबिंग में है, ऐसे जा रहा है लुक, पीछे से स्लोबिंग, पीछे से फैटी, आगे से स्लिम, सेम वही इसमें प्रोस्पेक्शंस लगाए गए हैं जो पहले वाले स्कूटर्स के थे। तो आप एक तरह से इसको ये भी कह सकते हैं कि ये सेम LML वेस्पा जैसा ही दिखता है। लुक्स में, लुक्स के एनहेंसमेंट के लिए इसमें जो जगह जगह क्रोम का यूज़ किया गया है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, जो एक क्रोम का जगह जगह यूज़ किया गया है, चाहे आप हेडलैम्प के इस गोल कवरिंग में कह लीजिए, या इधर ये साइडों में, और ये आगे मडगार्ड के ऊपर, पीछे वाली लाइट में, साइड में चेन कवर्स में, ये जो क्रोम का यूज़ किया गया है वो इसको काफ़ी चमकदार और लुक्स को काफ़ी एनहेंस करता है। अब लुक्स के बारे में तो हमने काफ़ी बात कर ली है, अब हम दूसरी बात करेंगे इसका जो स्पेस है। स्पेस में मैं बात करूँगा इसके लगेज स्पेस की, बूट स्पेस की, और ग्लव बॉक्स की। तो चलिए देखते हैं हम इसका स्पेस कितना है इसमें। अगर आप इसकी सीट की बात करें तो सीट पे एक अडल्ट और एक चाइल्ड काफ़ी आसानी से, आराम से
राइड कर सकता है। और उसी के नीचे सीट के नीचे अगर आप बूट स्पेस की बात करें, जो ग्लव बॉक्स भी कह सकते हैं आप स्कूटी का, वो साइड से खुलेगा। तो साइड से खोल के हम दिखाते हैं, अंदर आपको ग्लव बॉक्स में कोस बाइक की किट, उसमें पूरा कोस बाइक के जो स्कूटर है इसके बारे में पूरी जानकारी है, कार्ड वगैरह पूरी चीज़ें हैं, और साथ में मिरर और एक चार्जर और मिलेगा। उसी के नीचे एक कवरिंग के साथ, एक प्लास्टिक कवरिंग के नीचे आपको इसकी बैटरी मिल जाएगी। इस प्लास्टिक कवरिंग को हम उठाते हैं तो नीचे देखिए, यह है इसकी बैटरी, ये लिथियम आयन बैटरी है, 48 वोल्ट की बैटरी है ये, जो आपको 50 से 55 किलोमीटर तक की एवरेज रेंज आराम से प्रोवाइड करती है। और इस बैटरी की जो वारंटी है वो कंपनी आपको 3 साल की प्रोवाइड करती है। तो अगर आप देखें तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, 3 साल की वारंटी आपको बैटरी ही मिलती है। उसके बाद जो स्पेस है, स्पेस हम आगे जो इसका जहाँ पे हम पैर रखते हैं, फुटबोर्ड है, वहाँ के स्पेस की बात करें तो आसानी से आपके पैर आ सकते हैं, आप कोई छोटी मोटी चीज़ भी वहाँ पे रख सकते हैं। उसी के ऊपर अगर हम देखें तो हमको एक हुक मिलता है, और हुक के नीचे इसका मीडियम साइज़ का, मीडियम से आप स्मॉल साइज़ भी कह सकते हैं, एक ग्लव बॉक्स मिलता है। ग्लव बॉक्स में आप सिर्फ अपना छोटे वाला पर्स, जो जेंट्स टाइप पर्स होता है वो, या कार्ड वॉलेट या घर की चाबियां वगैरह ही रख सकते हैं, मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं है ग्लव बॉक्स में। अब हम इसके बात करेंगे थोड़े सेफ्टी के बारे में, जो स्कूटर में आपको सेफ्टी प्रोवाइड की गई है। सेफ्टी में अगर आप देखें इसमें तो पीछे एक बहुत अच्छी क्वालिटी का ग्रैब हैंडल प्रोवाइड किया गया है, जो ग्रैब हैंडल है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और स्कूटर्स को देखते हुए। और जो इसमें सेंटर लॉक है, कंपनी की तरफ से सेंटर लॉक भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें अगर आप इसको कहीं खड़ी करते हैं, लॉक लगा देते हैं, अगर कोई चोर थीफ आपकी स्कूटी को छेड़ता है, लेकर जाता है, तो पिछला टायर जाम हो जाता है और ये बजने लगती है काफ़ी ज़ोर से। तो ये भी इसका एक सेफ्टी फंक्शन है। एक और सेफ्टी फंक्शन इसमें अलग से दिया गया है, मैं आपको बता दूँ, जैसा कि आप अगर अभी देख पा रहे हैं कि जो स्टैंड है वो नहीं लगा रखा है साइड स्टैंड, और पीछे वाली लाइट नहीं जल रही है, मतलब पावर कट नहीं है। अब देखिए मैं स्टैंड लगा देता हूँ और अब पिछली वाली लाइट को देखिए वो जल रही है, इसका मतलब पावर कट हो चुका है। अगर आपका साइड स्टैंड एंगेज्ड है तो स्कूटी नहीं चलेगी, स्कूटी की पावर कट हो जाएगी। जो इसके दोनों ब्रेक में फंक्शन दिया गया है, दोनों ब्रेक में भी यही फंक्शन है, वो हर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में होता है। अगर आपने हल्का सा ब्रेक दबा रखा है, हल्का सा भी, तो आपकी स्कूटी आगे नहीं चलेगी, उसका पावर कट हो जाएगा, ये इसका एक सेफ्टी फंक्शन है। तो अब हमने सेफ्टी की भी बात कर ली है और बैटरी वगैरह की भी बात कर ली है, तो बैटरी के साथ मैं आपको एक और बात बता दूँ, जो इसकी चार्जिंग स्पीड है, तो ये आपकी 4 से 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। 4 से 5 घंटे चार्ज करने के बाद आप इसको 50 से 55 किलोमीटर की राइड आराम से ले सकते हैं, और साथ ही में आपको जो स्पीड है, स्पीड मिलेगी इसमें 40 से 45 तक की, आराम से क्लीन ड्राइविंग रेंज में आप इसकी स्पीड ले सकते हैं इससे। उसी के साथ अगर अब हम बात करते हैं ब्रेकिंग की, ब्रेकिंग में फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे जो काफ़ी अच्छे हैं, डिस्क ब्रेक का तो कोई जवाब ही नहीं होता। बाकी पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे जो इनफ है, क्योंकि 40-45 की स्पीड है, ज़्यादा कोई वो नहीं है, बाकी आगे डिस्क हैं तो कोई दिक्कत आपको आने नहीं वाली है। अब बात करते हैं इसका जो हैंडल है, अच्छा खासा चौड़ा इसका हैंडल है, काफ़ी वाइड है। तो लेफ्ट साइड अगर आप देखें इसमें, तो लेफ्ट साइड में इधर सबसे नीचे आपको इंडिकेटर का मिल जाता है स्विच, उसी के ऊपर आपको हॉर्न का स्विच मिल जाएगा, और उसके ऊपर आपको लाइट का अपर डिपर मिल जाता है, और उसके बीच में अगर आप देखें तो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप इसकी लगभग इसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं, चाहे आप स्पीड कहें, किलोमीटर कहें, बैटरी परसेंटेज कहें, आप सारी जानकारी इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से ले सकते हैं। अब राइट साइड की बात करें हम, तो राइट साइड में सबसे ऊपर मिलता है आपको लाइट का स्विच, जो आप की इसकी फ्रंट लाइट है उसका स्विच मिल जाता है आपको, और उसी के नीचे आपको मिलेगा इसका जो फ़ोन चार्जिंग का, इसमें फ़ोन चार्जिंग का फंक्शन दिया गया है आपके लिए, आप इसे फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं, फ़ोन चार्जिंग का USB पोर्ट दिया गया है। उसके राइट साइड आपको स्पीड मोड दिए गए हैं। स्पीड मोड अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 स्पीड मोड हैं। तो अगर आप पहले मोड पे चलाते हैं स्कूटी को, जो एक तरह से इको मोड होता है, उसमें ये आपकी 25 की स्पीड से ऊपर नहीं चलेगी। अगर आप दूसरे मोड में कर देते हैं, जो इसका स्टैंडर्ड मोड होता है, उसमें ये आपकी 30 से 35 तक की स्पीड देगी। अगर आप तीसरे मोड पे लगा देते हैं इसको, जो इसका स्पोर्ट मोड होता है, उसमें ये आपकी 40-45 की फुल पावर देगी बैटरी। तो अब जो मेन चीज़ आती है वो हम बात करते हैं
इज इट वर्थ इन 2021 और 22? क्या ये वर्थ करती है अपने प्राइस के हिसाब से, अपनी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से आज के समय में? तो मैं कहना चाहूँगा ये काफ़ी अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो वर्थ करती है 2021 में, 2022 में भी। अगर 2022 में इसके मुकाबले का कोई स्कूटर नहीं आता है तो, अगर इसका प्राइस सुने आप तो, जैसे अगर आपने बजाज चेतक जैसे स्कूटर जो हैं वो 1.5-1.5 लाख के प्राइस में आते हैं जैसा आप जानते होंगे, और जो एक है नया आया है ईवी प्लूटो 7G, वो भी 80,000 के प्राइस में दिया गया है, सेम लुक में, सेम स्पेसिफिकेशंस में। ये आपके 50 तक किलोमीटर में, एक बार स्पेसिफिकेशन रिपीट कर देता हूँ, 50 तक किलोमीटर 40-45 की स्पीड, सेंटर लॉक, फ्रंट डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर, और जो लिथियम बैटरी जो 3 साल की वारंटी है जिसकी, उसमें सिर्फ आपको 65,500 के प्राइस में मिलती है विद डिस्काउंट। बाकी इसका प्राइस 68,500 है, डिस्काउंट होके आपको 65,500 की मिलती है। तो एक मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी वर्थ करती है इसको, जो हमारा यूथ है वो भी यूज़ कर सकता है, जो बुज़ुर्ग हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मीडियम एज के पर्सनस है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्कूटर तो ये काफ़ी अच्छा है। बाकी मेन प्रोस्पेक्शन इज टू यू कि आपको स्कूटर कैसा लगा, आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको लेनी है स्कूटी, या स्कूटी के लिए कोई जानकारी लेनी है, कोई भी डाउट रह चुका है आपका, तो डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू, बाय।